हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली के दूसरे दिन आमतौर पर ये दिक्कतें आपको आती हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। तो अभी कौन सी दिक्कत आपको आएगी वो समझने की जरूरत है। तो ये कंपनी हमारी पिछले वीडियो में ये बनी गई थी, इसको हमने अल्टर करना भी सीख लिया था, डिलीट कैसे किया जाता है कंपनी को, ये सारी चीजें हमने पहले दिन ही सीख ली थी। अब अगर एंट्री कोई पास कर रही है तो हमें कहाँ जाना होता है? तो देखिये, ये टैली की मेन मेन्यू है, ये टैली की मेन मेन्यू है, ये जो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है इसे हम टैली की मेन मेन्यू कहते हैं, और यहीं से आपको एंट्री पास करने के लिए जाना है। तो कहां जाना है? तो देखिए, इसमें बाउचर का बी हाईलाइट है, देख रहे हैं, तो हमें बाउचर में जाकर के एंट्री पास करनी है। तो हम सीधा बाउचर में चलते हैं, आप भी ऐसा ही करते होंगे आमतौर पर, और सीधा कहां चले जाते होंगे? परचेज में, क्योंकि परचेज करेंगे हम पहले, परचेज से पहले भी आप रिसीविंग करा सकते हैं, रिसीविंग करना जरूरी होता है, तो आप रिसीव करा लीजिए, जो भी अमाउंट है अपना रिसीव करा लीजिए, ठीक है। तो आप किसी भी वाउचर में, मान लीजिए परचेज में ही आप एंट्री पास करने जा रहे हैं, हालांकि पहले रिसिप्ट में करना चाहिए, चलिए परचेज में करते हैं। यहां पर आए और यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया जो बिल है, भाई परचेज करके लाएंगे तभी तो आप सेल करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ जाएगा और यहां पर वो डेट आ जाएगी जो डेट जो है परचेजिंग की होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहां कर देता हूं 1/4/2023, तो यहाँ पर देखिए ये डेट चेंज नहीं होती है और यहाँ पर 31 मार्च 2023 दिखा रहा है और ये डेट नहीं चेंज हो रही है। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और आप फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि आपने गलती कहाँ करी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि जो काम शुरू होने वाला डेट है वो हमें डालना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, सीधा यहाँ से बाहर आते हैं और कंपनी को अल्टर करने की कोशिश करते हैं। कंपनी को अल्टर करने के लिए यहाँ से F3 प्रेस करके जाना है आपको, और यहाँ पर जब जाते हैं तो ये अल्टर कंपनी है और आपकी कंपनी का नाम जो भी है, जैसे मान लीजिए मेरे केस में ये माई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर हम इसे अल्टर करेंगे, ठीक है। F3 प्रेस करके कहाँ जाएंगे? अल्टर कंपनी पे जाएंगे और ये अल्टर कंपनी पे जाने के बाद एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेट तो 1 अप्रैल ही है, अब यहाँ पर और कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि जब 1 अप्रैल है तो हमारी एंट्री क्यों नहीं हो रही है। चाहे आप परचेस की बात करिए, चाहे रिसिप्ट की बात कीजिए, 1 अप्रैल को ये एंट्री क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर डेट क्यों नहीं चेंज हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि मैंने तो यह भी बताया था कि 1 तारीख के डेट में या 30-31 में आप काम कर सकते हैं, इसमें 2 तारीख के भी डेट में काम कर सकते हैं अगर आपका एजुकेशनल मोड है तो भी, ठीक है। तो ऐसे में समस्या बढ़ जाती है। सबसे पहले यहाँ लेजर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड पैसा, रुपया या बिजनेस या इस तरीके की किसी भी नाम से नहीं जाना जाता, उसे हम कैपिटल ही कहते हैं। और इसका ग्रुप सिलेक्शन बड़ा जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आपको नजर आ जाएंगे, तो इनमें से कैपिटल के लिए आपको कैपिटल अकाउंट ही चूज करना है और एंटर करते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, आप यहाँ पर वो अमाउंट डालिए जो कैपिटल में आपने लगाया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए 70,000 या 7 लाख जो भी अमाउंट आप लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 तरीकों से लगाया जा सकता है, या तो बैंक के थ्रू या तो कैश के थ्रू। तो कैश के थ्रू लगाएंगे तो आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कैश कर देता हूँ तो यहाँ पे लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, खासतौर पे बिगिनर्स को जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आज ये बहुत खास है ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है द डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट 1 अप्रैल 2023। तो अभी इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए यहां से आप कुछ भी कर लीजिएगा तो ये दिक्कत आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो कारण क्या है दिक्कत ना सॉल्व होने के पीछे? क्योंकि आपने फाइनेंशियल ईयर नहीं चेक किया, अपना पीरियड नहीं चेक किया, ठीक है। हम कौन से करंट पीरियड में अभी चल रहे हैं यहीं पर आपको दिख जाएगा। देखिए हमारा करंट पीरियड जो है 2023 चल रहा है, भाई 2023 में तो हमें रहना ही है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 2023 चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा करंट डेट क्या है 31 मार्च 2023, ठीक है। तो हमें वो पीरियड चेंज करना है। देखिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का हमने फाइनेंशियल ईयर ले रखा है और 2023-24 में हमें काम करना है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम 2023-24 में काम कर पाएंगे बिना जो पीरियड है उसको चेंज किए? तो आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए 2022-23 है, ठीक है। तो 1/4/2023 और 31/3/2024 कर लेना है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा तो बस एंटर करिए, ये काम हो जाएगा। अब आप जब एंट्री पास करने जाएंगे तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 वाली डेट भी आ रही है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाइए, जो भी अमाउंट आपको रिसीव कराना हो कंपनी में वो रिसीव करा दीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर लगा दिया हमने बनाया ही था। इस बार मैं कैश करता हूँ, अगले वीडियो में आपको बैंक वाला भी सिखाऊंगा कि ये बैंक वाला कैसे होगा। ये आए यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, ठीक है। कैपिटल कितना है ये देख लीजिए, 5 लाख है। तो इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है।
ये डाल दिया हमने और यहां पर इस तरीके से इसे एक्सेप्ट करा लिया और ये एक्सेप्ट भी हो गया। जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो कैसा दिखेगा ये देखिए, ये ऐसा दिखेगा। अल्ट पी करके प्रिंट आउट निकालना है हमको, आई बटन प्रेस करना है और ये देखिए ये ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसी दिक्कत आती है तो ये दिक्कत आपकी सॉल्व भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ओके।